जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी वर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के रिक्त 785 पद, BSEIRB पुरुष के 291 पदों तथा फायरमैन के लिए, जिसमें महिला पुरुष दोनों के लिए है, तो 445 यहाँ पर पदों की संख्या होगी। अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16/2/2022 और लिखित परीक्षा का अनुमान समय है जून 2022। तो यहाँ पर सभी उत्तराखंड के नौजवान यहाँ पर जिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। तो पुलिस भर्ती के यहाँ पर पद हैं 785 और BSEIRB 291 और महिला पुरुष फायरमैन के लिए 445 1521 कुल पद हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16/2/2022। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष पुलिस विभाग के लिए, इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कितने पद हैं। तो यहाँ पर कुल टोटल पद हैं आपके अनुसूचित जाति के लिए 149 और अनुसूचित जनजाति के लिए 31 है, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 110। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 785 है। और उत्तराखंड आरक्षी BSEIRB पुलिस पुरुष पुलिस विभाग, इसमें कुल 291 पद और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान आपका लेवल 3 का है और पद का स्वरूप यहाँ पर देख सकते हैं। और शैक्षिक आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष आपकी अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंटर पास आपको होना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक अर्हताएँ क्या होनी चाहिए, तो ऊँचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 160 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका ऊंचाई होनी चाहिए। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या फिर पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। तो सीने की माप आप यहाँ देख सकते हैं, बिना फुलाए आपके 78.8 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण जो देहरादून के पूर्वी चकराता तहसील राजपुर की ऊंचाई के ऊपरी गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र नैनीताल गढ़ तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र पिथौरागढ़ और इसके अलावा अल्मोड़ा चमोली टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग और नवसृजित जनपद जो है बागेश्वर हो गया रुद्रप्रयाग चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा चमोली पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसमें कुल आपके अंक होंगे 100, तो 100 नंबर का यहाँ पर आपका फिजिकल हो सकता होगा। और यहाँ पर सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें कि आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आपके 50 मीटर आप करते हैं तो 10 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और लास्ट में आप देख सकते हैं अगर आप 70 मीटर यहाँ पर करते हैं तो आपको पूरे टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। लंबी कूद के लिए अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो आपको 18 फीट यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर चिन अप आप देख सकते हैं, इसमें आपको 10 बार छूने के लिए आपको 20 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, 9 बार छूने के लिए 16, 8 बार छूने के लिए 14 और 7 बार छूने के लिए 12 और 5 बार छूने के लिए यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। और बैठक यहाँ पर है, इसमें 10 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, 100 अगर आप 2 मिनट में करते हैं तो
10 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दंड बैठक यहाँ पर है, तो अगर आप 75 4 मिनट में करते हैं तो यहाँ पर 10 अंक आपको पूरे दिए जाएंगे। दौड़ व चाल यहाँ पर है 3 किलोमीटर, और पूर्ण अंक आपको पूरे 20 नंबर ही मिलेंगे इसमें भी, और 10 मिनट में आप करते हैं तो यहाँ पर पूरे आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये है फिजिकल, और लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की पूरे 100 अंक यहाँ पर होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, जिसमें कि उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फायरमैन, अग्निशामक पुरुष व महिलाओं के लिए यहाँ पर है, तो इसमें टोटल 445 यहाँ पर पद हैं, और वेतनमान लेवल 3 का है, और शैक्षिक अर्हता आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और यहाँ पर शारीरिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो ऊंचाई आपकी होनी चाहिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति हेतु यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति हेतु 147, पर्वतीय क्षेत्रों हेतु भी यहाँ पर 147 ही है। तो वजन आपका न्यूनतम 45 किग्रा होना अनिवार्य है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता मानक में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अब यहाँ पर है आपका फिजिकल, तो फिजिकल आप देख सकते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो है सबसे पहले, जिसमें कि 32 मीटर आप फेंकते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे, 28 मीटर में आपको 16, और यहाँ पर 24 मीटर में आपको 14 नंबर, और 20 मीटर में आपको 12, 16 मीटर में आपको 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। लंबी कूद में आपको अगर 20 नंबर लाए नहीं हैं तो 13 फीट आपको यहाँ पर कूदना पड़ेगा, उसके बाद 12 फीट अगर आप कूदते हैं तो इसमें 18 नंबर आपको मिलेंगे, 16 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आपने 11 फीट कूदा है, और 10 फीट में आपको 14, 9 फीट में 12, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और दौड़ आपकी होगी 50 मीटर महिलाओं के लिए, जिसमें कि आप 11 सेकंड में करते हैं तो इसमें 20 नंबर मिलेंगे, 12 सेकंड में 18, 13 में 16, यानी कि 1-1 सेकंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 11 सेकंड में करते हैं तो सीधे आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 1 सेकंड आप पीछे रहते हैं तो पर आपके 18 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शटल रेस, जिसमें आपको 26 सेकंड यहाँ पर 20 नंबर मिलेंगे, और 27 सेकंड में 18, 28 सेकंड में आप पूरा करते हैं तो 14, और 29 सेकंड में आप करते हैं तो 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर फायरमैन पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए आपके शारीरिक मानक नाप जोख, तो सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 160 और अनुसूचित जाति के लिए 107.5 यहाँ पर होनी चाहिए। सीने की माप बिना फुलाए इतना फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर, और सीने की कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आवश्यक है। अब यहाँ पर पुरुषों की यहाँ पर शारीरिक दक्षता है, यहाँ पर फिजिकल क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर आपको लाने हैं तो 70 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा, और लंबी कूद है यहाँ पर अगर आप 18 फीट करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, 17 फीट करते हैं तो 18, और 16 फीट करते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे, तो इस तरह ये आपका फिजिकल होगा। बाकी चिन्ह में 20 नंबर लाने हैं तो आपको 10 बार छूना पड़ेगा, 9 बार छूते हैं तो 16, 8 बार छूने पर 14 आपको अंक यहाँ पर मिलेंगे। दंड बैठक में भी आप पर देख सकते हैं 4 मिनट में आपको 75 करने हैं, 10 नंबर आपको मिलेंगे। बैठक में आपका यहाँ पर है अगर आप 102 मिनट में करते हैं तो यहाँ पर पूरे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। दौड़ आपकी है तो 10 मिनट में 20 अंक, 12 मिनट में आपको 18 अंक, और 14 मिनट में 16, 16 मिनट में आपको 14 अंक, तो इस तरह आपका ये फिजिकल भी यहाँ पर हो जाएगा। तो लिखित परीक्षा यहाँ पर 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की, जिसमें कि आपकी सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें कि उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। और आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, जिसमें कि पुरुष आरक्षी
IRB अग्निशामक फायरमैन पुरुष पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष यहाँ पर होगी, और महिला पद हेतु 18 से और अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर होगी। तो ये थी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी बड़ी भर्ती है दोस्तों, तैयारी कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।